ठाकरे खानदान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। पहली बार ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने चुनावी पर्चा भरा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वर्ली सीट से नामांकन दाखिल किया और इस दौरान आदित्य ठाकरे की कुल संपत्ति की जानकारी भी सामने आई। आदित्य ठाकरे के पास करीब 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आदित्य ठाकरे के पास 10 करोड़ 36 लाख बैंक में जमा है। आदित्य का निवेश करीब 21 लाख का है, जबकि उनके पास एक BMW कार है जिसकी कीमत 6.5 लाख बताई गई है। इसके अलावा आदित्य के पास 64 लाख 64 हजार की ज्वेलरी है, वहीं 10 लाख 22 हजार की अन्य संपत्ति है। सरा आदित्य के पास कुल 11 करोड़ 38 लाख की संपत्ति है। तो आज आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल किया। उससे पहले हालांकि एक रोड शो था जो बेहद भव्य था और एक तरीके से शक्ति परीक्षण के तौर पर भी इसे देखा जा सकता था। आदित्य ठाकरे ने कई सवालों का बेबाकी से वहां पर जवाब दिया। जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम करना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि जो भी जिम्मेदारी जनता उन्हें देगी वो काम वो जरूर करेंगे। सारे लोगों ने आदित्य को आशीर्वाद देने के लिए आज जो भीड़ उमड़ पड़ी थी, सब लोगों का मैं आभारी हूँ और सब लोगों को यही कहता हूँ कि हमारी एक परंपरा है जनता की सेवा करना, और वही परंपरा अब मुझे खुशी है मेरी अगली जो जनरेशन है उसमें भी कायम है। आज तक हमने यही सोचा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये यंग सोच है, नए विचार है, नई सोच है और नई सोच की देश के लिए और राज्य के लिए जरूरत है। तो मैं जितने सारे लोग आदित्य को आशीर्वाद देना चाहते हैं और दे रहे हैं, सब लोगों का मैं आभारी हूँ। उधर दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गोली लगी है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों पर 30 सितंबर को ऑटो ड्राइवर की हत्या, ऑटो लूटने का आरोप है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान रोहित, नंदकिशोर और माखन है। रोहित पर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं जिनमें पुलिस को उसकी तलाश थी। थाना फेज 2 क्षेत्र में 30 सितंबर को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में डिटेल में देखा गया तो वो एक ऑटो ड्राइवर निकला जो मृतक था, और घटनाक्रम इस प्रकार निकला कि अंगोछे से ऑटो ड्राइवर को मारा गया था और उसका जो ऑटो था वो लूट लिया गया था। ऑटो भी बरामद हो गया है। 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और ऑटो बरामद हो गया। फूट जाएगा खोपड़ा। के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों की दरअसल ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों पर 30 सितंबर को ऑटो ड्राइवर की हत्या और ऑटो लूटने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 8 घंटे में 655 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त के अपने भाषण में इस ट्रेन की भारी मांग का जिक्र किया था। माता के दरबार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। और इस ट्रेन की खासियत हम दिखाना चाहेंगे कि जो गेट है वो ऑटोमेटिक गेट है, सेंसर से खुलता है और बंद होता है ये गेट। और अंदर की तस्वीरें दिखाना होगी, ये इस तरीके की जो स्क्रीन लगी हुई है इसमें आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कोच नंबर के साथ में ये भी जानकारी होगी कि अगला आने वाला जो स्टेशन है वो कौन सा है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ये देखिए सीट यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी है। और सीट के नीचे के साइड में चार्जिंग का पॉइंट भी, यानी कि अगर आप मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं तो नीचे इसकी व्यवस्था की गई है, सुविधा दी गई है। और ये देखिए विंडो को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। लाइट की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए आपको
लाइट अगर आप कहीं पर बैठे हैं, अभी ये लाइट ऑन नहीं हो रही है, लेकिन आप सीट के ठीक ऊपर लाइट का भी इंतजाम है, यानी कि ये लाइट ऑन और ऑफ भी हो सकती है। तो इस तरीके की सुविधा है। 8 घंटे मात्र 8 घंटे में कटरा ये ट्रेन पहुंचाएगी सुबह के 6 बजे, 5 अक्टूबर से सुबह के 6 बजे से चलना शुरू होगी और दोपहर के 2 बजे कटरा पहुंचेगी। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। ट्रेन के अंदर या फिर रेलवे स्टेशनों पर जो सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा होता है, हमारे साथ में आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी, सुरक्षा को लेकर किस तरीके की व्यवस्था आने वाले दिनों में देखेंगे और किस तरीके से सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेन है जम्मू के लिए जा रही है, कटरा के लिए जा रही है। जब इस ट्रेन का ड्राई रन चल रहा था तो इस पूरे रूट का हम लोगों ने एक सिक्योरिटी ऑडिट कराया। इसमें 3 डिवीजन्स हमारे हैं, दिल्ली है, अम्बाला है और भोजपुर है, और वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हम लोगों को लगे वहाँ पे हमने लोकल पुलिस की मदद से जो है वो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाएँ करी हैं। फिर जो हमारा पिछला वो था वंदे भारत, उसमें जो हमारे अनुभव थे तो उसमें खास करके जो स्टोन बिल्डिंग की प्रॉब्लम जहाँ जहाँ से होती थी वहाँ हम लोगों ने जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह करके उसको जो है वो नियंत्रण में किया है। उसके अलावा चूँकि ये जम्मू वाले क्षेत्र में हम लोगों ने कोरस जो हमारी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी है उसके कंपोनेंट का भी जो है वो इस्तेमाल किया है, इसको जोड़ा है यहाँ की सुरक्षा से। और एक एडिशनल जो है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ भी है, कोचिज में भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो इसका फीड भी जो है वो हमें सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी मदद करता है। ये दूसरे इंजनों से तो बिल्कुल अलग है, हर तरीके से अलग है, और में इंजन लगता है, एक सिंगल इंजन होता है, ये लगभग आधी ट्रेन इंजन ही वाणी समझ लो इसको, तो इस कारण से इसकी स्पीड बहुत जल्दी पिकअप होती है। जैसे अभी हम दिल्ली से चले हैं और अम्बाला 2 घंटे में ही आ गए, 2 घंटे भी पूरे नहीं लगे, तो कटरा 8 घंटे में इजीली पहुंच जाएगी है। और इसमें सब सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, आप यहीं बैठे बैठे पार्ट देख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है सब यहीं से देख सकते हैं, यहीं से रिवोक कर सकते हैं। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए सर, क्या सुविधा है? स्पीड तो इसकी 182 तक ट्रायल हुई है, 160 तो सही है, अभी हमारे पास ट्रैक नहीं है 130 160 का, इसलिए 160 का ट्रैक नहीं है, इसलिए 130 तक ही चला रहे हैं। दिल्ली से कटरा जा रही वंदे भारत ट्रेन में न्यूज 18 की टीम मौजूद है, जो ट्रेन के अंदर की खासियत बता रही थी। जिस प्रकार से अलग अलग टनल्स को जोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूँ जल्द ही भारतीय रेल कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट एक नेकलेस में पिरो देगी पूरे भारत को। और ये काम जो कई वर्षों से अटक जाता था, कभी कोई गलत गतिविधियां, कभी कोई आतंकवादी गतिविधियों से काम में नरमी गर्मी आती थी, अब आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये काम तेज गति से बनकर अगले 2.5 वर्ष के अंदर ये कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। और पहली बार भारत के 75 वर्ष के इतिहास में 15 अगस्त 2022 के पहले भारतीय रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सबका सपना है उसको जोड़ देगी।